नमस्कार दोस्तों, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूं आपको, कपिल मिश्रा जो अनशन पर बैठे हैं इस समय और उनका जवाब देने के लिए केजरीवाल लेके आए हैं संजीव झा को। हां दोस्तों, संजीव झा भी अब अनशन करने की तैयारी में थे लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो राजघाट पर ही अनशन करना चाहते थे और पुलिस चाहती है कि वो जंतर मंतर पर अनशन कर लें। तो संजय झा ये बात कह रहे हैं कि अगर कपिल मिश्रा आरोप लगा रहे हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, तो उनका सबूत क्यों नहीं देते वो, तो उनका सबूत दो। और कपिल मिश्रा ये बात कह रहे हैं कि जो भी 2 करोड़ रुपए की लेन देन हुई थी इसके बाबत मेरा एक सहयोगी है, उसने इस बात को देखा है और उसके पास सबूत भी है। और संजीव झा इस बात को कह रहे हैं कि जो भी कपिल मिश्रा के पास सबूत है वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते। तो बार बार, और ये भी जो संजीव झा है ये कह रहे हैं कि जो अप्रैल के शुक्रवार को जो अप्रैल के अंदर पैसे लिए थे और उसकी डेट भी वो बता रहे हैं 5 अप्रैल, तो इस दिन पैसा लिया था, तो पूछ रहे शुक्रवार की शाम को किस समय पैसा लिया था, क्या लिया था। संजीव झा ये कपिल मिश्रा से पूछ रहे हैं ये बात, तो दोनों के अंदर जुबानी तकरार भी चल रही है। तो अभी तक इनको 4 दिन हो गए हैं कपिल मिश्रा के अनशन को, और देखते हैं अब क्या नया मोड़ आता है आप पार्टी के अंदर। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।